बस अब हरिया रोडवेज के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया और भाई आज मैं हूँ लुधियाना में और आपको दिखाने लाया हूँ बहुत ही कमाल के कोयले की भट्टी वाले सरसों के तेल वाले बढ़िया पकौड़े मजेदार वाले। आ जाओ आपको दिखाते हैं। सर सत श्रीकाल जी, क्या हाल चाल है सर? जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। ये किस नाम से दुकान है सर? पिताजी के नाम से, देशराज के नाम। आपके पिताजी के नाम से, देशराज जी के नाम से। कब से चला रहे हैं, कितनी पुरानी दुकान है? सन 52 से चल रही है वैसे तो। सन 52 से? और मैं चला रहा हूँ सन 75 से। अच्छा आप 75 से, आपके पिताजी 52 से। हाँ जी हाँ जी, पाकिस्तान से आए थे ना। अच्छा पाकिस्तान से आए थे वो, कहाँ से? पाकिस्तान में कहाँ से? सियालकोट से। तो भाई साहब जो अनडिवाइडेड इंडिया है वहाँ के सियालकोट से देशराज जी आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने शुरू किया था। सर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, एक तो ये कोयले की भट्टी है ना। हाँ जी हाँ जी। तो आज भी कोयले की भट्टी? हाँ जी हाँ जी। मतलब 2024 आ गया, अभी तक आपने ये सिस्टम बदला नहीं है? नहीं नहीं, इसका माल बढ़िया बनता है ना। अच्छा इसकी क्या खासियत होती है सर? चाय बना के देख लो। हाँ जी, चाय बना के देखो, एक कप इसमें बनाओ। अच्छा एक कप चाय गैस में बनाओ। जी सर अभी तो टाइम नहीं है चाय बनाने का, आप मुझे वैसे समझा दो। आप समझा दीजिए सर, आप बड़े हैं। इसका टेस्ट जो है ना, पुराने बुजुर्ग जो है, पुराने बुजुर्ग लकड़ से काम करते हैं, तो ये उसी की परंपरा चल रही है। और इसका फिर हीट कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे अभी तो पूरी टपरी है, है जी, नीचे उतार लेते हैं। अच्छा नीचे उतार लेते हैं, कैसे आप उतार रही है? अच्छा तो अभी जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ पकौड़े और बना के दिखाइए, तो फिर आप दोबारा से करेंगे? ये देखिए दोबारा से इन्होंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और सर पकौड़े की वैरायटी भी बता दीजिए कौन कौन से? मेथी की टिक्की है। एक सेकंड सर, ये मैं सामने से दिखाता हूँ। हाँ जी आप बताइए सर। मेथी की टिक्की है। कहाँ पे सर? ये देखो। अच्छा मेथी की, ये है मेथी की टिक्की भाई साहब। ये दाल और गोभी की टिक्की है। ये जी दाल और गोभी की टिक्की। ये बैंगन के है। ये सर आप चाकू से उठा के डरा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। ये गोभी के है। अच्छा गोभी के भी है। आलू की टिक्की है। अच्छा आलू की टिक्की भी है। और आलू चिप्स है। अच्छा वाह, पकौड़े है जी। ये मिक्स पकौड़े सर? हाँ जी। एक कढ़ी में डालने वाले? कड़ी में भी डाल सकते हैं, भी डालते हैं लोग। जी जी जी। हॉट डॉग है, ब्रेड है। अच्छा हॉट डॉग और ब्रेड भी है। और सारा भर के लाते हैं घर से? हाँ जी हाँ जी। मतलब रेडी करके बनाते यहीं पर है। अच्छा बनाते यहीं पे? हाँ जी हाँ जी। तो वो कहाँ है सर, कहाँ बनाते हैं? ये देखो इसमें कढ़ाई में। एक दो जो है भर के दिखाएंगे आप? ये देखो अभी बना के हटा हूँ। अच्छा अभी बना के हटे, हम थोड़ा लेट हो गए मतलब। हाँ जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप हमारे लिए कौन सा वाला लगा रहे हैं सर? ये देखो गरम कर रहे हैं आपके लिए। गरम कर रहे हैं गोभी वाला जो है वो तो काट के डाल दिया है। और उसके साथ कौन कौन से डाल रहे हैं? आलू की टिक्की, बैंगन। आलू की टिक्की, बैंगन, सारे के सारे टाइप्स के पकौड़े जो है वो इन्होंने डाल दिए। मैं सर उसी एंगल से आता हूँ, बहुत बढ़िया एंगल है वो। ये एंगल ज्यादा बढ़िया है, इससे आपको पूरी वैरायटी भी दिख जाएगी, कढ़ाई भी दिख जाएगी आपको पूरी की पूरी। जबरदस्त है यार। और सर देशराज जी तो आपके पिताजी का नाम है, आपका नाम क्या है? अनूप कुमार। अनूप कुमार बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या लोकेशन है, आप कहाँ पे खड़े हैं? विश्वकर्मा चौक। विश्वकर्मा चौक जी, मिलरगंज लुधियाना। और भाई साहब इधर देखिए ये पकौड़े तैयार है और बहुत सुंदर लग रहे हैं यार। ये तो सारी वैरायटी इन्होंने रेडी कर दी है। ये पकौड़े ये जो है सरसों के तेल में बनते हैं। अच्छा सरसों के तेल में? हाँ जी, शुद्ध सरसों के तेल जी। एक सेकंड सर, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पीओवी दिखाते हैं, एकदम बगल से दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं ये। ये उस्ताद जी ने सारे पकौड़े इकट्ठे कर दिए। वाह, ये चाट मसाला। और सर आपकी चटनी की भी बड़ी तारीफ सुनी है ना? तो खाएगा वही जानेगा। अच्छा हाँ जी। तो सर थोड़ा बताइए, जो नहीं देख, जो नहीं खा सकता, जो वीडियो में देख रहा है, क्या खासियत क्या है? वो आके खाएगा। अच्छा वो आके खाएगा। अगर कोई दूर रहता है सर, दूर दराज रहता है, अमेरिका रहता है, मुंबई रहता है, धनिया पुदीना, धनिया पुदीना जी, हरे प्याज जी। और इसको आप कूटते हैं या पीसते हैं? ये मिक्सी में करते हैं। अच्छा मिक्सी में ये। सारी की सारी चटनी जो है भाई साहब, तीन चार चीजें इसमें मिला के। और ये देखो ये रखते हैं इधर, और ये है जी पकौड़ों की प्लेट। सर आपने प्राइस नहीं बताया, रेट क्या है पकौड़ों का? पकौड़े का रेट 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो रेट है। और मतलब जो ब्रेड है उसका भी? अभी तो 15 का ही है। अच्छा तो 20 का है। अच्छा टिक्की 10 की बेच रहे हैं, वैसे अभी करेंगे 50 की जान। जी जी जी, हर वैरायटी महंगी हो गई है सर। एक मैंने देखा है जैसे ना पंजाब में अमृतसर के पकौड़े बड़े मशहूर है, तो लुधियाना पकौड़ों की वजह से नहीं जाना जाता, पर आपका नाम बहुत ऊपर है पकौड़ों में। तो अमृतसर के लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं अमृतसर भी वैसे पकौड़े नहीं बनते। अरे वाह, तो अमृतसर वाले भी कहते हैं कि अमृतसर में ऐसे पकौड़े नहीं बनते। एकदम जबरदस्त यार, ये पकौड़ों की प्लेट तैयार है। हम अभी इसको एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कि चटनी और पकौड़ों का कैसी बातचीत है। ये सरसों का, ओ भाई ये तो वाकई सरसों का तेल लग रहा है यार, पर ये इतना काला कैसे हो गया? काला तेल नहीं है, कढ़ाई काली है। अच्छा कढ़ाई काली है, तेल नहीं काला, कढ़ाई काली है।
क्या बात है, ये तो गाना बन सकता है जी। खुशबू देखो, वाह जी वाह, ये खुशबू भी आप सूंघ लो। और भाई साहब बहुत ही कमाल की बातचीत है। अच्छा एक चीज और बताइए, थोड़ा पास में आइए। हाँ जी। बेसन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बेसन हमारा प्योर बेसन है जी। प्योर बेसन, बेसन हमारा प्योर दाल का बेसन। प्योर दाल का बेसन। हाँ, कौन सी कोई कंपनी यूज करते हैं, क्या करते हैं? कोई कंपनी नहीं। कहाँ से लेते हैं? लाभ सिंह की चक्की। अच्छा लाभ सिंह की चक्की से लेते हैं बेसन। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ पे क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं और पकोड़े बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। कभी भी आप लुधियाना आओ, इस तरफ जरूर आना और ये पकोड़े जरूर ट्राई करना। भाई साहब स्वाद वटांदरा करने की बारी आ चुकी है। ये मशहूर है ना सर आपकी? पकोड़े खाओ चाहे पानी पियो। हाँ जी, गला नहीं खराब करेगा। सही गल है। मतलब ऐसे घर दे रोक दे, पानी नहीं पीना चाहिए पकौड़े तो बाद खा सकते, पी सकते हैं? अभी खुद पानी पीने। अच्छा पकौड़े तो बाद के वैसे पीने? पकौड़े तो बाद। अच्छा अच्छा, गला ठीक रहता है? क्या बात है जी, तो ये तो बड़का मार दे। कितनी उम्र होगी? 60 साल की उम्र होगी। क्या बात है जी, आप पकौड़ा सब तो मशहूर है ना थोड़ा? सारे ही जड़ी मर्जी खाओ जी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारे परिवार वाले भी मिले, आप खाते रहते सर? हाँ जी हाँ जी। ये कौन सा वाला अभी आप खा रहे? ये दाल वाला ते पालक वाला। दाल ते पालक, इनका यही मशहूर है ना? हाँ हाँ। ये शायद दाल वाला है ना? ये दाल वाला। ये दाल वाला है भाई साहब, ये ट्राई करते हैं। एक तो देखो एकदम क्रंची हो रखा है, सरसों का तेल डाल के भाई साहब एकदम कमाल। तो ये डिप करते हैं चटनी में, ये देखो। फोकस नहीं कर रहा भाई यार, सोनी अगर फोकस करना शुरू हो जाए ना मज़ा आ जाए। ये देखो देखो, हर रोज़ मैं नेल्स कट करता हूँ ताकि एकदम साफ सुथरी वीडियो आए, पर ये भाई फोकस करने को तैयार नहीं है। भाई साहब दाल वाला पकौड़ा श्योर इस। भाई साहब मेरे अपने शहर में देसराज जी के पकौड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बट मुझे कभी मौका ही नहीं मिला यहाँ पे आने का और ये खाने का, बट आज फाइनली मौका मिला है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। श्योर इस बाइट। भाई साहब सबसे पहली बात, पकौड़े एकदम करारे, एकदम क्रंची क्रिस्पी हैं और सबसे मेन चीज है चटनी। सर आपने चटनी के लिए क्या बोला था, जो खाएगा वो क्या? वो खुद जान जाएगा। वो खुद जान जाएगा भाई साहब, जो खाएगा वो खुद जान जाएगा, वो वाली बात एकदम सच है। बाकी जब तक नहीं खाया था तब तक नहीं पता था चटनी में क्या जादू है, कमाल की चटनी है, एक नंबर के पकौड़े हैं। थोड़ा सा अगर आपको हाइजीन का इशू है और आप थोड़ा सोचते हो कि साफ सुथरी जगह में बैठ के खाना है तो गाड़ी में मंगवा लो, क्योंकि थोड़ा सा इशू वो हो सकता है, बट जो टेस्ट है वो यही है भाई, मजे आ जाएंगे आपको। अब बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है यार, ट्राई करो यहाँ पे आके। हरियाणा के पकौड़े वाले एक्स्ट्रा माल बनाते हैं, इन्होंने अपने रूटीन के हिसाब माल बनाना, लाल च कोई नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब जितना नॉर्मल बनता है जो नहीं हाँ, माल हाँ, रूटीन च जितना कम उन्हें करना। वाह वाह, एक्स्ट्रा माल ही बना के ले, कोई लालच कोई नहीं। आप मैं देख रहा हूँ आपने दोनों वो पकौड़े जो इनकी टिक्कियां है वो एंजॉय, रूटीन च वही खाना मैं। अच्छा दाल दा और पालक दा और चटनी वाकई बहुत कमाल है, तो खास प्याज पांदे ने जी जी जी। हां प्याज दी चटनी है, बहुत अच्छी है, कमाल की चटनी और हाँ। कमाल के पकोड़े। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप हैबोवा से स्पेशली खाने हैं? नहीं नहीं मैं इधर हूं। अच्छा काम ही था मेरा। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके जी। अच्छा सर थैंक यू जी। ओके जी, चटनी खा के हम भी जान गए। ओके ओके थैंक यू सर। भाई साहब वैसे तो पकौड़े खाने हो तो शाम का जो समय वो एकदम परफेक्ट होता है, बट यहाँ पे लुधियाना में एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको 24 घंटे स्टॉल पे पकौड़े मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हो ब्रेड टोस्ट सुबह प्रभात फेरी में खाने तक से लेके रात को अगर आपको डिनर में खाने हैं और उसके बाद लेट नाइट भी खाने हैं, तो भाई साहब ये दुकान है, आपको दिखाते हैं कहाँ पे क्या और कितना। और एक कुलचे वाला पकौड़ा है भाई साहब, कुलचे के साथ पकौड़ा नहीं, कुलचे वाला पकौड़ा यहाँ पे मिलता है, वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल की बातचीत है। आ जाओ भाजी। सत श्रीकाल। क्या हाल चाल है भाजी? भाजी थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। भाजी हम 4 साल पहले मिले थे, कितने साल पहले मिले थे? 4 साल हो ही गए। 4 साल हो गए। एंड थोड़ा कम कितना पुराना जी? कम हैगा जी 10-11 साल पुराना। 10-11 साल पुराना काम है, असि 4 साल पहला मिले थी। भाजी जेड़ा पूरा सेटअप है बदल लिया है ना, जमे ही चेंज हो गया सारा कुछ। आजकल क्या क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? इतने वही वैरायटीयां ने जी पहला। अच्छा, जी टोस्ट हॉट डॉग जी, अपने टिक्की जी, आलू कुलचा। अच्छा आलू फिंगर जी, बैंगन दे पकौड़े जी जी जी, हांजी पनीर दे पकौड़े, ता अलग अलग सारी वैरायटीयां ने। क्या बात है। और भाजी है सारा कुछ सरसों के तेल में? नहीं रिफाइंड च हुंदा। रिफाइंड च? हां जी। ते थोनू मतलब 11 साल पहला शुरू कीता सी? इस तो पहला ही करते सी? तो पहला मेरे कैंटीन सीगी किसे स्कूल च। अच्छा ते ओदू पहला काफी काम कीते आ। अच्छा जी, हमारा इने च बहुत तरक्की हुई। सो पहले आपकी कैंटीन थी और आपने वहां पे जॉब करी है या कैंटीन चलाई है? जॉब कोई नहीं कीती, मतलब कैंटीन आपने खुद चलाई जी।
क्या बात है क्या बात है। तो भाई साहब खुद के काम में फायदा है, सरदार जी भी यही बोल रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे पकौड़े बेच रहे हैं बहुत ही कमाल के। पहले आपने कैंटीन चलाई और अब आप पकौड़ों के बिजनेस में आ गए। हाँ जी हाँ जी, और भी काम कर लेते हैं पार्ट टाइम। अच्छा क्या बात है, पार्ट टाइम काम और भी। पाजी को प्रॉपर्टी डीलर का काम तो नहीं जैसे हर दुकान पे लिखा होता है? हाँ, भी कर लेंगे। है क्या? हाँ जी हाँ। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। पाजी थोड़ा नाम की है जी? अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह जी, तो पाजी एक बार पकौड़े दिखाओ। अभी फिलहाल कौन से बना रहे हो? फिलहाल ब्रेड पकौड़ा बनाने लगे हैं जी। अच्छा हाँ जी हाँ। तो भाई साहब फिलहाल तो ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, पाजी पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि बट्टियाँ ना बने। और पाजी मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं। पाजी की पूरी जो कंसंट्रेशन है वो इसी चीज़ पे कि बेसन की गट्टियाँ ना बन जाए। हाँ, तो पूरा दम लगाया हुआ पाजी ने। तो पाजी बेसन केड़ा यूज करते हो? रायता नहीं था बेसन। अच्छा रायता नहीं था। पैकेट वाला है कि तुसी मतलब बाहरों लेने? पैकेट वाला नहीं, पूरा। अच्छा ते मसाले मसूले कितों केड़े यूज करते हो? मसाले भी बढ़िया यूज करी दे जी। अच्छा हां जी, मतलब घर दे पिसवा के कि पैकेट वाले? नहीं नहीं, पैकेट वाले जी। अच्छा पैकेट वाले मसाले है जी, बहुत बढ़िया। ते पाजी हुन दिखाओ किदा बनाउने, किदा ब्रेड वाले पकौड़े? तो ये देखो भाई साहब फिलहाल तो ब्रेड वाले पकौड़े जो है वो फ्राई होने जा रहे हैं। ऊपर के दो पीसेस सरदार जी ने इधर रख दिए। पाजी ये कल नहीं रख रहे हो इधर? ए जी गांव वास्ते जी। इधर देखो भाई साहब जो दो ऊपर के पीसेस हैं वो तो रख दिए जी, और साथ में अब पकौड़े जो है वो फ्राई होने वाले हैं। पाजी इधर से मीठा नमकीन कितना चेक करते हो? पाजी हम तो आदत से की चेक करने की लोड़ी नहीं, गा की चेक करदा सब। अच्छा क्या बात है, आ की पा रहे हो? ये आलूओं च हरी मिर्च नून धनिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई साहब स्पीड चेक करो अब, करो आप पकौड़े बनने की। पाजी की जो स्पीड है ना एकदम नेक्स्ट लेवल की है पाजी, कुछ ही सेकंड्स में। मतलब अगर घर पे पकौड़े बनाने के लिए बोले ना 24 घंटे है जी अपना काम, 24 घंटे ही काम है। हाँ जी हाँ जी, रात 100 टॉस्ट तो ऊपर चाहे रात को 12 बजे भी ऑर्डर कर दो। अच्छा तभी मिल जाए। क्या बात है, 100 टॉस्ट के ऊपर अगर आप रात को 12 बजे भी बोलते हो तो आपको मिल जाएंगे। हाँ जी मिल जाएंगे। पाजी मैं ये कह रहा था कि जैसे घर में अगर पकौड़े बनाने के लिए बोलते हैं ना तो आधा घंटा तो सोचने में लग जाता है, उतनी देर में तो आपने मुझे लगा रेडी कर देने सारे। प्रभात फेरियां हो गया जी, कोई कीर्तन हो गया जी, कोई मंदिर समागम हो गया जी। ते पाजी हाइजीन वगैरह साफ सुथरा? हां जी साफ सुथरा। जिवें आपां समागम लई या जिहड़े प्रसाद लई तां आपां साफ सुथरा काम चाहिए ना? मशीनां रखियां होईयां जी, आलू फिंगर कटण लई। अच्छा आलू छिलण लई मशीनां रखियां होईयां। वाह 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 क्या बात, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब पाजी की जो स्पीड है वो बड़ी खतरनाक है, आप यहाँ पे आके ना पाजी की स्पीड के कायल हो जाओगे। आलू को थोड़ा थोड़ा सा चिपका के और ब्रेड को टोस्ट बना के और साथ के साथ ये देखो ये तेल में ऑयल नहीं होगा, ऑयल फ्री होंगे। अच्छा पाजी आ की कर रहे हो, चक्री कितना कमा रहे हो पाजी? दिवाली तो आज आई नहीं, पहले ही कमा रही। दिवाली तो पहले ही मिल रहा था, सारा साल ही चक्री है। हाँ जी हाँ जी। वाह जी वाह। पाजी अनार भी चलाने हो? ज्यादा चक्री है तो ज्यादा पाजी जो है चक्री चलाते हैं। भाई साहब एक बार ध्यान से देखो ये पाजी, ये पाजी लेफ्ट हाथ ना लिख भी लेने हो? हाँ जी हाँ जी लिख लेने हो, सही गल है। हाँ जी। पाजी का हाथ देखो किड्डा घेंट है वी यार, दोवें हाथ कट्ठे रिदम से चलते। ये तो पाजी आही गल होगी भी करण औजला भाई गा भी लेंदा ते लिख भी लेंदा, वही गल है ना। बहुत वधिया। तो ये कुछ ही सेकंड्स में ये ब्रेड के पकौड़े जो है कढ़ाई के अंदर और भाई साहब एकदम चमक मार रहे हैं। ओ वाह पाजी, इस घंटा जी कम होया वैसे है? ऑयल नहीं होता जी। थोनु मान होंदा अपने आप पे भी इतनी तेज स्पीड ना कम करदे हो? हां जी हुन इतने साल हो गए जी कम करदे हां। हां जी क्या बात है भाई साहब, एकदम खतरनाक स्पीड है पाजी की कुछ ही सेकंड्स में। मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ देखते ही देखते ये पकौड़े तैयार है। एंड एक भाई जी होर तारीफ है मैनू, मतलब मैं बहुत लोगों को सुने कहते भी इन्नी साफ सफाई ना पकौड़िया की दुकान पे पूरे लुधियाने च कितें है नहीं। नहीं आप माण नहीं करीदा जी, फिर भी परमात्मा की कृपा ना मेरे वधिया यानी कि साफ सफाई अपने वालों पूरी रीझ ला दी जी। जी 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 हाँ जी, अपने वालों तुसीं पूरी रीझ ला लेंदे हो? रूह ना बनाई जाए मेरे, रूह ना आप भी खाईदे आ ते लोकां नूं भी संगत नूं भी। भाई साहब पूरी रीझ के साथ पूरी रूह के साथ, ये दोनों पंजाबी वर्ड्स है, मतलब पूरी दम लगा के भाजी अपना और फिर सफाई का ध्यान रखते हैं। तो इधर देखो भाई ये आलू फिंगर है जी, जी। ये आलू कुलचा जी, ये आलू का कुलचा। अरे वाह क्या भाजी, एक ही चीज है ये बस कुलचे के विच आलू भर के ये बना के दिखाओगे? बना देने जी।
ये भी फ्रेश बना के दिखाओ। होर केड़े केड़े भाजी? आ पनीर वाले जी। ये है जी पनीर वाले पकौड़े। मतलब ये स्लाइस कट के जी, गाढ़ा बेसन ला के मसाले वाला। वाह बहुत बढ़िया लगता है जी जी जी। और ये टिक्की है जी पालक वाली। ये पालक की टिक्की है भाई साहब, लुधियाना में ही मिलेगी सिर्फ आपको। ये बैंगन के पकौड़े है जी। बैंगन के पकौड़े भी है ये भाजी? लोग पसंद करते हैं जी, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बैंगन वाले पकौड़े तो घर नहीं ना कोई खाता। नहीं नहीं खा लेते हैं जी, इतने खा लेते हैं। हां जी हां जी। और भाजी एक हॉट डॉग भी पे, ये भी दिखा दो एक बार। हां जी हां जी। इनू कितना भर दियो? ये भी कट के अच्छा आलू भर के फिर बेसन च घुमा के चल दई रे। वाह 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 बहुत बढ़िया भाजी। मेरी जेडी जिज्ञासा है ना, जेडी उत्सुकता है, वो होगी वो कुलचे वाले पकौड़े दी। वो मैं लगता है थोड़ी इन्वेंशन ही है ना। हाँ जी हाँ। ये देखो भाई साहब, ये ब्रेड वाले पकौड़े तो तैयार है और भाजी का पूरा फोकस है उस पर कि एकदम ड्राई निकले और एकदम करारे होके निकले। भाई साहब इधर देखो, सरदार जी के पापा जो है वो फटाफट से इनको काट रहे हैं। तो सर गर्मी लग दे? नहीं नहीं जी। क्या बात भाई, क्या बात है जी। ये देखो भाई साहब एकदम कमाल की बातचीत है। और इधर ये पकौड़े बनके तैयार है भाई साहब। दोनों की स्पीड है यार, मैं सोच रहा था सिर्फ एक की स्पीड है पाजी। थोड़े फादर साहब भी पूरी स्पीड है जी, फुल स्पीड है जी। मैं लगता है एक लैम्बोर्गिनी एक फरारी है ना, एक भी जाना मिस हो जाए ना साडे चो तो दुकान नहीं लगती। क्या बात है, मतलब दोवें जने इत्थे होने जरूरी है, टैग टीम चैंपियन जरूरी है बिल्कुल। क्या बात है, इधर देखो भाई साहब दोनों सरदार जी की स्पीड इतनी ज्यादा खासम खास है। भाई साहब ये है आज का हमारा भीगा हुआ चटनी में डूबा हुआ कुलचा और स्वाद बटांदरा। तो भाई साहब काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि स्वाद बटांदरा क्या होता है। भाई स्वाद बटांदरा मतलब स्वाद बांटने की प्रक्रिया। और भाई फिलहाल तो मेरे मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है। ये देखो ओ हो भाई साहब श्योर इज अ बाइट। भाई साहब क्या कमाल की बातचीत है, एकदम नेक्स्ट लेवल का पकौड़ा है। क्रंच भी है, अंदर आलू भी है, सॉफ्टनेस भी है, और भाई साहब बेसन बहुत कमाल। कभी भी लुधियाना साइड में आते हो तो यहाँ पे जो दुकान है ज़रूर आओ। मैं लोकेशन पूछनी भूल गया यार, एक बार लोकेशन पूछते हैं भाजी। लोकेशन रहेगी अपनी, लोकेशन तो दस दो। लोकेशन अपनी है कि फिर नियर मिलिट्री कैंप जी, आर्मी कैंप। हाँ जी। तो एच पी पंप के बिल्कुल सामने जी, ढोलियाल ढोलियाल चौक। हाँ जी ढोलियाल चौक लुधियाना। हाँ जी लुधियाना। भाई साहब ये आर्मी कैंप इधर है जी, HP पेट्रोल पंप। और ये ढोलेवाल चौक से जैसे आप आओगे तो आपको ये दुकान दिख जाएगी। ज़रूर आके ट्राई करो, आप बोलोगे हरिया भाई कमाल ही हो गई यार।